और डाइटेक की रिपोर्ट में मामन जी के मोबाइल से कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली जिससे ये साबित हो कि मामन जी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन केसेस में इन्वॉल्वमेंट रहा हो, बल्कि सरकार की तरफ से बेल को अपोज करने के लिए हाई कोर्ट का डबल एजी असिस्टेंट एडवोकेट ऑफ जनरल हाई कोर्ट सरकार की तरफ से उसने प्लीड किया, और हमारी तरफ से मामन जी की तरफ से मैं था, ताहिर हुसैन रुपड़िया जी थे, मैं केस दर्ज किए हैं। पुलिस के पास आज तक इन चारों केसों में किसी तरह का कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई है। मैं कहता हूँ कि चारों केसेस कैंसिल होने चाहिए। फ्लूट कर दी दोनों केसेस बेल और जीरो केसेस प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया अपने केसेस को, इसलिए मामन जी को बेल ग्रांट फरमा दी और वी विल आर्गू ऑन दीज केसेस ऑन चार्ज। ये डिस्चार्ज के केसेस हैं, ये चार्ज मेड आउट नहीं होंगे, ये केस प्रोसिक्यूशन फेल हो। आज FIR नंबर 137 और FIR नंबर 148 जिसमें 3/10/2023 को ऑनरेबल श्री अजय कुमार शर्मा जी की कोर्ट ने एंटरिम बेल दी थी, आज उस पर बहस हुई सुबह 11 बजे, दोनों पार्टीज को सुना गया, बल्कि सरकार की तरफ से बेल को अपोज करने के लिए हाई कोर्ट का डबल एजी असिस्टेंट एडवोकेट ऑफ जनरल हाई कोर्ट सरकार की तरफ से उसने प्लीड किया, और हमारी तरफ से मामन जी की तरफ से मैं था, ताहिर हुसैन रुपड़िया जी थे, मेहताब साहब थे, मुजीब साहब थे, इरशाद साहब थे और रमजान साहब थे, और हमारी बार के और मेंबर्स ने प्रेजेंट किया था। तो कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुन करके रिजर्व रख लिया था 5:30 बजे के लिए ऑर्डर। अभी कोर्ट ने 5 मिनट पहले अनाउंस किया है जो एंटरिम बेल 3 तारीख को दी थी कोर्ट ने, उन दोनों केसों में कोर्ट ने आज उनको एब्सोल्यूट कर दिया है, यानी कि वो जमानत पक्की हो गई है अब मेवाती भाषा में। तो उन दोनों केसों में मामन जी को एब्सोल्यूट बेल मिल गई। पुलिस ने जो एंटरिम बेल दी थी कोर्ट ने पिछली दफा, उसमें कंडीशन ये इनका आर्गू ये था, इनका केस ये था कि डाइटेक के लिए इनके मोबाइल गए होंगे, उसमें कुछ मटेरियल मिलेगा। तो डाइटेक की रिपोर्ट आ गई थी और डाइटेक की रिपोर्ट में मामन जी के मोबाइल से कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली जिससे ये साबित हो कि मामन जी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन केसेस में इन्वॉल्वमेंट रहा हो, इसलिए पुलिस ने कोई एविडेंस आज ऐसी पेश नहीं कर पाया जिससे कोर्ट सेटिस्फाइड होता, इसलिए कोर्ट ने मामन जी को जो 3 तारीख को एंट्री बेल दी थी उसको आज एब्सोल्यूट कर दिया। क्योंकि डायटिक रिपोर्ट में जो मम्मन खान जी के 2 मोबाइल फोन लिए गए थे उनमें किसी तरह की कोई कमेंट या कोई इस तरह की पोस्ट नहीं पाई गई, और जिस बिना पे अदालत जनाब ने उस बेल को जो इंटरिम बेल आज तक की उसको एब्सोल्यूट कर दिया है, और किसी तरह की अभी ये ऑर्डर आने के बाद पता लगे कि क्या कंडीशंस हैं। बाकी इन केसेस में दोनों केसेस में कहता हूँ कि ये चार जो केस दर्ज किए हैं पुलिस के पास आज तक इन चारों केसों में किसी तरह का कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई है। मैं कहता हूँ कि चारों केसेस कैंसिल होने चाहिए, चार्ज पे हम आर्गूमेंट करेंगे, ये डिस्चार्ज के केसेस हैं, इनमें आज तक किसी तरह की कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस मोहम्मद खान जी के खिलाफ नहीं है। लास्ट डेट पे प्रोसिक्यूशन ने यह कहा था कि डायटिक रिपोर्ट हम पेश करेंगे और उस डायटिक रिपोर्ट में किसी तरह की कोई पोस्ट या किसी तरह की कोई फेसबुक पे कोई आईडी से उन फोनों में किसी तरह की जो मोहम्मद खान जी के फोन पे किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं पाई।